कामठी नागपुर जबलपुर रोड पर गश्त के दौरान न्यू कामठी पुलिस स्टेशन की डीपी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे दो युवकों से 3,75,000 कीमत का मादक पदार्थ यानी गांजा जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक न्यू कामठी पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड अधिकारी नागपुर जबलपुर मार्ग पर नेरी शिवारा में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे दो युवकों पर शक हुआ और उनकी गहन तलाशी ली गई। उनके पास मौजूद बैग में से भारी मात्रा में 22 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला। जांच के दौरान आरोपी सुरेंद्र टोरे सिंह सेन उम्र 19 वर्ष मध्य प्रदेश निवासी, जितेंद्र मालम सिंह रघुवंशी उम्र 25 वर्ष मध्य प्रदेश निवासी ने कबूल किया कि वे गांजा मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 22 किलो गांजा मोटरसाइकिल से बरामद होने की सूचना पर 3,75,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बड़े रैकेट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी जांच की जा रही है कि आरोपियों का पता चल सके। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। पेट्रोलिंग व आरोपी चेक करने का दुपारी आम्ही हद्दीमध्ये फिरत असताना आम्हाला काही इसम पल्सर गाडीवर दोन बॅगसहित फिरताना दिसले। त्यांना आम्ही अडवून विचारणा केली की संबंधित बॅगमध्ये काय वगैरे, तर ते चेक करताना आम्हाला गांजा सदृश पदार्थ मिळून आले। त्या पदार्थाचं चेक केल्यानंतर आम्हाला त्यांचं अंदाजे वजन 22 किलो गांजा हा मिळून आला। पूर्ण माल मुद्देमाल हा जवळपास 2,65,000 है आणि तसेच गाड़ी व मोबाइल सहित पूर्ण संपूर्ण माल 3,75,000 चा मिळून आलेला आहे। संबंधित माल आम्ही जप्त करून मुद्देमाल गृहामध्ये जमा केलेला आहे। तसेच आज रोजी दिनांक 29/7/2023 रोजी आम्हाला पुढील तपास कामी PCR मिळाला असून संबंधित माल हा दोन ते व्यक्ती भंडारा बॉर्डरवरून विदिशा जिल्ह्यामध्ये घेऊन जात होते अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। पुढील यामध्ये अजून मुख्य आरोपी कोण आहे व तसेच अजून या रॅकेटमध्ये कोण कोण सामील आहे याची तपासणी करणे बाकी आहे। सदरच्या कारवाईमध्ये माननीय ओपोनी साहेब तसेच आम्ही व स्टाफ मेंबर सुरेंद्र शेंडे, अंकित ठाकूर, नसीम अन्सारी हे आहेत। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।